अगर आप CMA स्टूडेंट है तो ये वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप सभी जानते हैं स्टूडेंट, इस यूट्यूब चैनल पर छोटे से छोटा अपडेट हो CMA एग्जाम से रिलेटेड या फिर कोई भी ट्विटर हैंडल पर ट्वीट हो इंपॉर्टेंट जो लगे CMA स्टूडेंट्स के लिए, वो आप तक सबसे पहले प्रोवाइड कर दिया जाता है इस चैनल के थ्रू। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। और स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपनी स्टडी को कंटिन्यूसली रखें। स्टूडेंट इस टॉपिक में हम बात करने वाले इस वीडियो में एग्जाम एडमिट कार्ड से रिलेटेड, आप देख सकते हैं स्टार्टिंग। चलिए मैं आपको ये बताता हूँ, जैसे एडमिट कार्ड हम डाउनलोड करने जा रहे हैं तो एक इरर्स आ रहा है हम सभी CMA स्टूडेंट्स के लिए। अभी तो साइट ही नहीं रीच हो रही है, वेट अ सेकेंड। और इसके बाद जैसे हम एग्जामिनेशन वाले सेक्शन पे जाते हैं एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए, ये रहा एडमिट कार्ड। जैसे हम एडमिट कार्ड पे क्लिक करते हैं सर, एडमिट कार्ड का देख सकते हैं ये आ रहा है अभी, सर्वर एरर, एग्जेप्शन ऑफ टाइप ऑफ सिस्टम आउट मेमोरी एग्जेप्शन इज। तो स्टूडेंट आप जैसे कि आप सभी जानते हैं सर, अगर बहुत सारे स्टूडेंट ने एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लिया है तो जो जो स्टूडेंट ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है वो हो सकता है कि उन स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम हो ओनली, और जो स्टूडेंट एडमिट कार्ड डाउनलोड में प्रॉब्लम हो रही है, एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड हो पा रहा है सर्वर प्रॉब्लम की वजह से, नेटवर्क इशू की वजह से, तो जितने स्टूडेंट का एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ है उनका हो सकता है एग्ज़ाम एज पर शेड्यूल हो, और जो स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम नहीं हो मीन्स एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड हो पा रहा है, देख सकते हैं स्टूडेंट आपका एग्ज़ाम 8th December से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपका एडमिट कार्ड 7th December तक डाउनलोड हो गया तो ओके, अगर नहीं हुआ तो आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन करके हो सकता है जैन या फेब में रखा जाए। सो स्टूडेंट इस वीडियो बनाने का एक पर्पस है कि आप अवेयर रहे छोटे से छोटे अपडेट से। सो थैंक यू स्टूडेंट, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप अपने स्टडी पे कोई कंप्रोमाइज़ मत करें, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो मुझे कमेंट सेक्शन में और इंस्टाग्राम पे पर्सनल मैसेज किए से बोलते हैं सर अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ तो एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा। इट्स कॉमन, अगर एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड हुआ तो आपका एग्ज़ाम तो नेक्स्ट मंथ में ही होना है। बट कुछ स्टूडेंट बोले सर अगर मैं खुद एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं करूं क्योंकि मैं नहीं चाहता एग्ज़ाम देना, आई वांट एक्सटेंड दिस एग्ज़ाम, तो ये मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। मैं बोला इट्स अ वेरी बैड स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल ही गलत है कि आप अगर एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड करेंगे तो आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा। अभी तक ICMI ने कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दिया है, हो सकता है आपका एडमिट कार्ड कल परसों से 8th December से पहले आपको दे दिया जाए। सो आप अपने स्टडी पे कंटिन्यूसली फोकस रहें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।